ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ रनर कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ इन ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड इज। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ का एक राउंड जो है सो कितना 40 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है आर, एक राउंड 40 मिनट में कंप्लीट हो रहा है तो 40 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड। ओके, तो ये टाइम हो जाएगा, इस टाइम में कितना उसने कंप्लीट करना है, तो पहले टाइम पूरा कैलकुलेट करना सेकंड में, दिस विल बी 140 सेकंड, 140 सेकंड। अब देखिए बच्चा लोग इसमें क्या बोल रहा है कि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो 40 में 1 राउंड कंप्लीट होगा, अगले 40 में दूसरा राउंड कंप्लीट होगा, अगले 40 में तीसरा राउंड कंप्लीट होगा, टोटल कितना हो गया 120, एंड प्लस अपने पास कितना है 20 सेकंड लेफ्ट हो जाना है, यानी इस 20 सेकंड में कितना कवर करेगा 1/2 राउंड। एवरीवन आई एम, यस ठीक है, तो 1/2 राउंड जो कंप्लीट करेगा मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो अपोजिट एंड पे गया है, यहाँ पे गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 आर, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 आर, सो आंसर विल बी ऑप्शन 3। ओके क्लियर, सर, फोर 7 पाई और होगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 आर, डिस्टेंस पूछा रहा था तो 7 पाई आर होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है ना, एवरीवन है ना, हाँ वो तो 2 आर होगा ना, इज इट क्लियर, एवरीवन है ना, सर, लेकिन यस। ऑप्शन में तो क्या बोलते हैं, 4 दिया है। पार्टिकुलर स्टार्ट्स वन राउंड सर्कुलर पाथ इन रेडियस आर इन 40 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा था तो यहाँ पे 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 6 पाई आर प्लस यहाँ पे पाई आर, 7 पाई आर होता है, डिस्टेंस विल बी 7 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 आर। क्लियर, क्वेश्चन यस सर, यस सर। नंबर 2 पे चलते हैं। बोला है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एक पार्टिकल मूव कवर कर रहा है हाफ ऑफ सर्कल ऑफ जिसका रेडियस कितना है आर है। ओके चलिए, हाफ कवर किया मतलब यहाँ से मान लो यहाँ गया है, अगर यहाँ से यहाँ गया है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 आर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा पाई आर, तो अपने से क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो 2 आर एंड पाई आर, ऑप्शन 2। एवरीवन हाँ या ना, एवरीवन यस और नो। यस सर, ओके, मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग होल जर्नी। तो मानते हैं कार जो है वो ए से बी गया है, इसके बाद प्लेस ए यहाँ से गया कहाँ, वो बी पे गया, जाने वक्त उसका स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, आने वक्त स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस कितना है एक्स है, तो एवरेज स्पीड कितना होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो गया है एक्स किलोमीटर, आया भी है एक्स किलोमीटर, तो एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जाने में टाइम कितना लगा x/20 और आने में टाइम कितना लगा x/30, x/20 प्लस x/30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x/, ये रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 3x+2x मीन्स 5x/60, ये आ जाएगा कितना 2x/5x होल बाई, इस पे बाई 60 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा वो, इंटू 60, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड 12 5 60, 24 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर। एवरीवन हाँ ना, यस सर, यस सर। वेरी गुड, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है कि कार ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2000 मीटर इन फर्स्ट हाफ सेकेंड एंड कवर 40 किलो का इन फर्स्ट हाफ एंड 1 मिनट को। कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर, कार ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2000 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया कितना 2000 मीटर। ओके वेरी गुड, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर एट 40 किलोमीटर पर आवर, शुरुआत का आधा डिस्टेंस कितना के स्पीड से कवर हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस एट वेलोसिटी वी, सेकेंड हाफ डिस्टेंस को वी वेलोसिटी से कवर हुआ है, एवरेज वेलोसिटी 48, एवरेज वेलोसिटी कितना दे रहा है 48 दे रहा है, तो अपने से पूछ रहा है क्या
वी का वैल्यू क्या होगा? तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2000 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मानते हैं इस वाले पार्ट में टाइम लगा टी वन और सेकेंड वाले पार्ट में टाइम कितना लगा है टी टू, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं टी वन प्लस टी टू, हाँ या ना? Yes, sir. So this will be equal to 2000 divided by T1 कितना हो जाएगा? T1 will be equal to distance by time equals to क्या हो जाएगा? Time equals to distance by speed. तो इसमें क्या बोला था? If first half distance cover किया 40 km/h से, तो half distance कितना हो जाएगा? 1000 meter. और अगला half distance कितना हो जाएगा? अगला भी हो जाएगा half 1000 meter. So 1000 distance जो है ये कितना कवर किया, किससे कवर किया? 40 km/h से. थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, देखिए क्या चेंज कर देते हैं, ये जो सब कुछ है ना किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में ही कर लेते हैं. 2000 meter जो है सो कितना हो जाएगा 2 km, उसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 1 km, कितना का स्पीड है 40 का स्पीड है, प्लस अगला हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 km, कितना का स्पीड है वी का स्पीड, एवरेज कितना है, एवरेज आ रहा है 48. अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 48 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई हो जाएगा 40 और ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर इंटू हो जाएगा 40, ठीक है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 48 इंटू वी प्लस 40 इक्वल टू कितना जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 40 मतलब 80, 4 × 2 = 8 = 20 और 12 × 2 = 12. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 वी इक्वल प्लस 480 इज इक्वल टू 20. ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, हमने कुछ कर दिया क्या? ये तो है अपना कुछ, तो 12 वी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 12 वी विल बी इक्वल टू -460, तो वी विल बी इक्वल टू -460 डिवाइड बाय 12. हाँ तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 24, 115, 3 × 3 = 9, 10 × 11, 12. हमने कुछ गलती किया है, ठीक है ना, तो चलिए इस पर सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, कार ट्रेवल डिस्टेंस 2000 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है कार ने 2000 मीटर, ओके, और 2000 डिस्टेंस ट्रेवल किया है मतलब कितना हो जाएगा 2 km डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया. बोला है इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड एट 40 km/h, शुरुआत का आधा डिस्टेंस यानी 1 km जो है वो कितना के स्पीड से ट्रेवल हुआ है, 40 km/h के स्पीड से ट्रेवल हुआ है, एंड द सेकेंड हाफ इट्स वी वेलोसिटी, यानी अगला जो 1 km है वो कितना से ट्रेवल हुआ है, वी वेलोसिटी से ट्रेवल हुआ है, एवरेज वेलोसिटी 48 दिया हुआ है, तो वी का वैल्यू पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी 48 इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ऊपर 2 km, ये कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 1/40 प्लस 1/v, एवरीवन हाय ना, यहां तक क्लियर है? तो चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, 48 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय ये रेशियो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम विल बी इक्वल टू 40v, दिस विल बी इक्वल टू v प्लस 40, एंड इसको और सिंपलीफाई करेंगे, 48 इक्वल टू 2 इनटू 40v डिवाइडेड बाय वी प्लस 40, हाँ वो गलती हो रहा था, तो अब चलिए अब इसको फर्दर इधर लेके आते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 48v प्लस 48 इनटू 40 इज इक्वल टू 80v इज इक्वल टू 80v. अब इसको उधर 48 उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 32v माइनस 60, हाँ बोलिए बोलिए, 32v इक्वल टू 48 इंटू 40, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, हो जाएगा 48 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना 32, 32 12 × 48 4 × 8 = 4 × 3 = 12 और ये कितना हो जाएगा 20, बहुत बढ़िया, तो कितना हो जाएगा 60 km/h, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, एवरीवन आया ना? सर ये नेगेटिव में निकला है, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है,
वो पिछली बार हम गलती कर दे रहे थे, यहाँ पे भी को कैरी करना भूल गए थे, ठीक है ना, इसे कारण आंसर नेगेटिव हो जाएगा। चले आगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? अ कार ट्रेवल द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट हाफ x किलोमीटर, सेकंड हाफ x किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर से फर्स्ट हाफ ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर पर आवर से सेकंड हाफ ट्रेवल किया, तो इसी वाले क्वेश्चन का तो पार्ट हो गया ही, तो सेकंड वाले इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। एवरीवन आया ना, वैसे ही सॉल्व कर लो, 2x डिवाइड बाय x बाय 40 प्लस x बाय 60, इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। हां या ना? हां सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में देखिए क्या बोल रहा है, 6 में बोल रहा है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, the time in which it covers particular displacement with uniform acceleration is, acha ek particular displacement jo time ke ek particular time mein wo cover karega uske bare mein kya bola sakta hai, inversely proportional to square root of displacement, inversely proportional to displacement, directly proportional to displacement, directly proportional to square root of displacement, kya ho sakta hai bataiye। body rest start kiya to u equal to kitna hai, 0 hai, everyone aaya na sir, directly proportional to root of the time in which it covers a particular displacement with uniform acceleration, acceleration kya hai, acceleration is constant, theek hai, to s equals to kya hota hai, ut plus half it square, to ut to zero ho jayega, ut plus 1 by 2 at square, to ye wala term to zero ho jayega na, to yahan pe hum kya bol sakte hain ki s proportional to t square, s proportional to t square, to directly proportional to square of this time, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि t proportional to root s, time in which क्या पूछा था इसमें, time in which it covers particular displacement uniform acceleration is क्या हो जाएगा, directly proportional to square root of displacement, option 4, everyone आया ना? Hello, everyone ये clear है ना, इसमें किसी को कुछ doubt है? सर एक बार okay, देखिए अपने को बोला था क्या कि बॉडी रेस्ट स्टार्ट किया है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो u = 0, a = कांस्टेंट, s = ut + 1 / 2 at square होता है, तो s = proportional to t square, हां या ना? s अगर t square के proportional है तो यहां पे क्या हो सकता है, t proportional to root s, क्लियर? यस सर। और इधर लिख क्या है, तो t proportional to root s यानी टाइम, यहां पे अपने यही पूछ रहा था ना, टाइम इन व्हिच इट कवर द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या बोल रहा है, अ ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना से, 20 मीटर पर सेकंड, टर्न वेस्ट एंड ट्रैवल विद सेम स्पीड, वेस्ट में ट्रैवल टर्न किया और सेम स्पीड से ट्रैवल करता, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी 20 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, ये v इनिशियल हो गया, ये v फाइनल हो गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो अपने को उल्टा किसको करना है, अपने को इनिशियल वेलोसिटी को उल्टा करना है, तो फाइनल तो इधर ही रहेगा, इनिशियल को उल्टा कर दीजिए, रिजल्टेंट इधर से पास होगा, ये क्या है, ये ईस्ट है और ये क्या है, ये साउथ है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट उतना ही हो जाएगा इनटू रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रूट 2 एंड डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट, ईस्ट एक मिनट, साउथ ईस्ट, हाँ 40 मीटर पर सेकंड नॉर्थ वेस्ट, 20 रूट 2 नॉर्थ वेस्ट, 40 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट, डायरेक्शन तो यहाँ नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, माइनस भी इनिशियल उल्टा कर दिए, तो डायरेक्शन तो इसका इधर होना चाहिए, बट ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकंड टर्न वेस्ट, अच्छा अच्छा वेस्ट में टर्न लिया था हमने, ईस्ट में यहाँ पे टर्न कर दिया, देखिए ठीक है ना, टर्न ट्रक वाले इधर जा रहा था, बाद में वेस्ट में टर्न ले रहा था, तो वेस्ट तो ये हो गया और इनिशियल उल्टा कर दिया गया, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, दिस इज साउथ दिस इज वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में 20 रूट 2,
क्लियर, ये सबको क्लियर हुआ क्या? आया ना? ओके सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ए कार कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड वेस्ट हाफ विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ कार इज। तो ये तो आसान से बना सकते हैं, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू एक्स बाई 30 प्लस एक्स बाई 60, ये बन जाएगा ना? एवरीवन है ना? ये सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। एवरीवन यस और नो? यस सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मोटर कवर्स 1/3 पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, मोटर कार v1 से 1/3 डिस्टेंस कवर किया, अगला 1/3 v2 से कवर किया, अगला 1/3 v3 से कवर किया, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो मानते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 3x, उसमें से x कवर किया कितना से, 10 किलोमीटर पर आवर से, अगला x कितना से कवर किया, 20 किलोमीटर पर आवर से, अगला x कितना से कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर से, कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 3x डिवाइडेड बाय, इसमें टाइम कितना लगेगा x बाय 10 प्लस दूसरे वाले टाइम कितना लगेगा x बाय 20 प्लस तीसरे वाले टाइम कितना लगेगा x बाय 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। एवरीवन आया ना? ये बन जाएगा ना? ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। 10 में क्या बोल रहा है, 10 तो 10 में बोल रहा है कि ए कार ट्रेवल 1/3 ऑफ डिस्टेंस ए बी विद 30 किलोमीटर पर आवर, मानते हैं 3x है, तो 3x में से x कवर कितना किया, x कवर किया 30 के स्पीड से, उसके बाद 1/3 एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगला x कवर किया कितना से, 40 के स्पीड से, एंड 1/3 ऑफ डिस्टेंस एट 24 किलोमीटर पर आवर, अगला x कवर किया कितना से, 24 से, एवरेज स्पीड, अगेन वही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x प्लस x, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम यहां पे टाइम कितना लगेगा, x बाय 30 प्लस x बाय 40 प्लस x बाय 24। एवरीवन यस और नो? ये बन जाएगा ना? क्या ये वाला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा? चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न टू फर्स्ट स्टेशन एट 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछता है। मानते हैं x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस आया, जाने वक्त 40 के स्पीड से गया है, आने वक्त 60 के स्पीड से गया है, आया है, तो इस बार हमें पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, x गया प्लस x आया, जाने में टाइम कितना लगा, x बाय 40, और आने में कितना टाइम लगा, x बाय 60, दिस इज योर आंसर। एवरीवन आया मैम? यस सर। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी भी यहां पूछा था, यहां पे एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता, जहां से गया है वहीं पे तो आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों बोल रहा है पैसेंजर ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1, तो पैसेंजर है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से और फर्स्ट हाफ टाइम, ओके, तो मानते हैं टोटल उसने 2t के लिए ट्रैवल किया है, टोटल टाइम कितना लिया है 2t, तो आधा टाइम मतलब t टाइम के लिए कितना से ट्रैवल किया है, v1 से ट्रैवल किया है, एंड अगले आधा टाइम के लिए कितना ट्रैवल किया, v2 से ट्रैवल किया है, t टाइम के लिए फिर से ट्रैवल कितना से किया है, v2 से ट्रैवल किया है, उसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ये तो बन जाएगा आसानी से, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम कर दीजिए, v1 इनटू t प्लस v2 इनटू t डिवाइडेड बाय t प्लस t ट्वाइस t, t कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा v1 प्लस v2 बाय 2, ऑप्शन ए, क्लियर? बोलिए हां या ना? क्वेश्चन नंबर ये नोट्स में भी है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में बोला है एट एनी इंस्टेंट टी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी भी टाइम पे एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना दिया जा रहा है, x इक्वल्स टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, y इक्वल्स टू दिया है b t स्क्वायर एंड z इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। अब पूछ रहा है कि वेलोसिटी व्हेन एट एनी इंस्टेंट टी, इसका वेलोसिटी क्या होगा,
x कोऑर्डिनेट ये है तो वेलोसिटी इन x कितना हो जाएगा dx by dt. Everyone yes or no keep responding. तो dx by dt कितना हो जाएगा 280. वेलोसिटी इन y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dt. dy by dt this will be how much, this will be equal to 2bt. एंड वेलोसिटी इन z कितना हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा है. अब अपने से पूछ रहा है कि उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो वेलोसिटी को कितना लिखेंगे, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. सो वी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए वी एक्स का वैल्यू कितना है, वी एक्स का वैल्यू 280, तो 280 का स्क्वायर प्लस जी वाई का वैल्यू कितना है 2bt का स्क्वायर कर दीजिए. इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इंटू टी का स्क्वायर बाहर लेंगे तो ट्वाइस टी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन बी. एवरीवन आया ना, क्या ये सबको क्लियर है? यस सर. स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका सोल्यूशन आपको चाहिए होगा उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. 14 में क्या बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द बॉडी वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन. हाउ द बॉडी, इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, कितने टाइम में बॉडी रेस्ट पे आएगा, तो रेस्ट पे लाने के लिए उसको वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए. वेलोसिटी इक्वल टू था dy / dt, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए कितना हो जाएगा -4/3 into t प्लस 16. ये हो गया वेलोसिटी का रिलेशन. इसको इक्वेट कर दीजिए किससे, जीरो से, वेलोसिटी जीरो लाना है, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, -4/3 t इज इक्वल टू -16. अब क्या करेंगे, हमें माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो t इक्वल कितना हो जाएगा, t इक्वल हो जाएगा 16 × 3/4. तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू 12 सेकंड. एवरीवन हाय ना, यस सर. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज u एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय fa. एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ कितना, एक्सेलरेशन इक्वल टू दिया हुआ है a * t. ओके, इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है, u इक्वल टू 0. अच्छा u दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u दिया हुआ है, वेयर a कांस्टेंट है. Which of the following relation for velocity v and particle after t time t? इसमें से कौन सा relation सही है? तो क्या acceleration यहाँ पे constant है? Acceleration तो time पे depend कर रहा है ना? Everyone हाँ या ना? No sir. Acceleration अगर time पे depend कर रहा है, तो ये तो valid होगा नहीं, ये भी valid होगा नहीं. क्या ये valid है? क्योंकि equation of motion तभी valid है जब acceleration क्या होगा? Constant. अब फर्स्ट वाले इक्वेशन को अपने को चेक करना होगा, चलिए चेक करते हैं. a इक्वल टू 80 दिया हुआ है, a इक्वल टू था डीवी बाय डीटी, तो डीवी बाय डीटी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी इक्वल टू a * t. तो डीवी हम कितना लिख सकते हैं, डीवी इक्वल टू a t dt. बोलते चलिएगा यस और नो. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u है, t इक्वल टू 2 पे अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट इज फ्रॉम u टू v, एंड ए टी का इंटीग्रेशन होगा ए इंटू टी स्क्वायर बाई टू. इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, जीरो से लेकर के टी तक, अपर माइनस लोअर कर दीजिए, तो वी माइनस यू इक्वल्स टू ए बाई टू, ए बाई टू इंटू टी स्क्वायर. तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी का वैल्यू कुछ हो जाएगा यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. सो ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, अगर क्या जाएगा नॉन ऑफ दिस. एवरीवन हाय ना सर. टू हां बोलिए, टू सेटिस्फाई कर रहा है, क्या हुआ, टू होगा यू प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर तो है. अच्छा है क्या, अच्छा अच्छा हाँ, वेट वेट, मुझे लगा ये पहले सोचा क्या कि ये भी कॉस्ट यू प्लस ए टी दिया हुआ है, ध्यान ही नहीं दिया. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा. क्लियर, चले आगे. क्वेश्चन नंबर 16.
16 में क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहां पे वेलोसिटी लाइन के साथ ले लीजिए एरिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना, ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना तुम लोग, आइए कैलकुलेट कर लोगे, ये एरिया मिल जाएगा। ओके चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, 13 में क्या बोला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन ऑफ इट्स ओन इन फिगर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी लीनियर मोशन का दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 8 सेकंड, ओरिजिन से 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये हो गया 8 सेकंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है तो आपको एरिया को पॉजिटिव लेकर के ऐड करना है, हर एक एरिया को पॉजिटिव लेकर के ऐड कर दीजिए, बन जाएगा ये, क्या ये बन जाएगा? यस सर। चलते हैं आगे, 18 में क्या बोला, फ्रॉम फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड इज, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये भी बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस क्या होगा, एरिया के इक्वल होगा, एरिया विद प्लस साइन, ऊपर भी प्लस नीचे वाला भी प्लस है, लो दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा, क्या ये बनेगा? यस सर। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला है कि इसमें से कौन सा व्यू द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिक्वायर, डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, इसमें कौन सा है जो कि वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन। ऑप्शन 4 के बारे में अगर सोचें तो ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, ऑप्शन 4 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 2 जो है, एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का दो वेलोसिटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, यहां पे वेलोसिटी v1 भी है, यहां वेलोसिटी v2 भी है, तो दिस इज रॉन्ग, क्लियर तो फिर से बता सकते हैं क्या? हाँ, किसी एक ऑब्जेक्ट का एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होगा ना, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बाइक एक ही टाइम पे 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करे और 80 किलोमीटर पर आवर से भी मूव करे, नहीं ना, तो जो भी ये टाइम है, इस टाइम पे क्या मिल रहा है आपको, दो वेलोसिटी मिल रहा है, v1 मिल रहा है, v2 भी मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रहा है, एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रहा है, जब एक ही टाइम पे मल्टीपल वेलोसिटी मिल रहा है मतलब वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है बच्चों, 20 बोल रहा है एंड एडजॉइनिंग कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन वैल्यूज आर ओए ओबी ओए एबी बीसी मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। अच्छा, यहां से यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप के इक्वल वेलोसिटी टाइम है ना, तो स्लोप निकाल लो, ये कितना है 10 और ये कितना है 10, तो 1 हो गया, स्लोप इक्वल टू 1, ये भी सही, ये भी सही, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी होना है, यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 0, ये तो गलत हो गया, बाकी 3 में से कितना है 0 है, और यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप के इक्वल, तो स्लोप टूट भी नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप कौन दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन 1 दे रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कैलकुलेट कर लो परपेंडिकुलर बाई बेस कर लो, परपेंडिकुलर कितना है 10 है और बेस कितना है, बेस है 20 से 40 मतलब 20, 1/2 तो 0.5, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, एवरीवन आया ना, ये सबको क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 में बोल रहा है कि ग्राफ ऑन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, अब कहां पे बर्निंग ऑफ फ्यूल खत्म हुआ है, अब देखो रॉकेट जो किसी भी चीज को जब नॉर्मली जब हम ऊपर फेंकते हैं, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है इसको हमने ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसका वेलोसिटी कम होता है, आया ना, बोलिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसका वेलोसिटी कम होता है, होता है ना सर, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है उसका वेलोसिटी कम होना है। अब क्वेश्चन यहाँ है कि क्या अगर यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा चीज रहता जो इसको लगातार ऊपर की तरफ खींचता तो इसका वेलोसिटी कम होता, तब नहीं होता, तब अगर मान लो ये रॉकेट है तो रॉकेट के अंदर क्या है, रॉकेट के अंदर तो फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है जिसके कारण रॉकेट क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, जब तक रॉकेट के अंदर फ्यूल है तब तक ये थ्रस्ट क्रिएट होगा और जब तक ये थ्रस्ट क्रिएट होगा तब तक उसका स्पीड क्या होगा बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक रॉकेट का स्पीड बढ़ा है उसकी वाली स्पीड कम होना चालू हुआ है, यानी यहाँ से ग्रेविटी का एक्सेलरेशन एक्ट करना चालू हुआ, तो अप टू 10 सेकंड उसके अंदर फ्यूल था, 10 सेकंड में फ्यूल समाप्त हुआ, एवरीवन हाँ या ना सर, एक बार रिपीट बोलेंगे फिर से सुनिए,
हम नॉर्मली किसी चीज को फेंकेंगे, जैसे बॉल हुआ या स्टोन हुआ, तो एक सर्टेन हाइट पे जाएगा देन वहां से रिटर्न आएगा। जब वो ऊपर जाते रहेगा तो उसका स्पीड लगातार कम होते रहता है, क्यों? क्योंकि उसका ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगता है। रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता है, रॉकेट का स्पीड लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नीचे का टूल जल रहा है और टूल क्या कर रहा है, थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, और उस थ्रस्ट के कारण लगातार वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जब तक रॉकेट के अंदर फ्यूल रहेगा तब तक थ्रस्ट क्रिएट होगा, तब तक उसके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक ही तो है। उसके बाद तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका क्या है, निगेटिव है। 10 सेकंड तक उसका पॉजिटिव है, इसलिए 10 सेकंड तक फूल उठते जगह। क्लियर? यस सर। एवरीवन हाँ या ना? हाँ या ना बता दीजिए। यस सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। हाँ बोलिए बोलिए सर। 21 में जब वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वो नीचे आएगा? नहीं, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, देखो क्या होगा, जब तक उसका फ्यूल जला है ना तब तक उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का लगातार उसका स्पीड बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। मान लो जब उसका फ्यूल खत्म हुआ तब उसका स्पीड था 2000 मीटर पर सेकंड। जिस टाइम फ्यूल खत्म हुआ है मान लो, तब का स्पीड कितना है, 2000 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना चालू हुआ, तो अब इस एक्सेलरेशन का धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट अभी भी ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से यहाँ भी ऊपर ही गया है, यहाँ से यहाँ भी ऊपर ही गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उसका स्पीड लगातार बढ़ा है, यहाँ से यहाँ स्पीड क्या हुआ, लगातार कम हुआ है। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे गया है। अगर इस क्वेश्चन पूछता कि रॉकेट मैक्सिमम हाइट पे कब है, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होता है ना, तो 110 सेकंड पे रॉकेट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे होता है। समझ में आया ना? क्या ये समझ में आया? यस सर। एवरीवन सर अच्छे से नहीं आया, फिर से देखिए, अच्छे से देखिए। ये हो गया रॉकेट। ओके ठीक है। अब रॉकेट में अगर मान लो कुछ मशीन नहीं लगा होता, नॉर्मल एक सिंपल सा एक हॉलो ऑब्जेक्ट होता, उसको जब हम ऊपर फेंकते तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता होता है कि नहीं होता? ऊपर फेंकते हैं, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है, एक सर्टेन हाइट पे जाता है, वहां जाके रुक जाता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। क्या ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है? इसका जो फ्यूल है ना वो इसको ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। फ्यूल बहुत तेजी से जल रहा है, थ्रस्ट नीचे क्रिएट हो रहा है, तो रॉकेट ऊपर जा रहा है। क्लियर? बोलो हाँ या ना। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। क्लियर? ऊपर की तरफ है। इज इट क्लियर? तो जब तक इसमें फ्यूल जलेगा तब तक तो ये एक्सेलरेशन फ्यूल प्रोवाइड करेगा। बोलते चलना हाँ या ना। जब तक फ्यूल जलेगा तक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ प्रोवाइड होते रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो ये वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मान लो रॉकेट यहां से चल रहा था, यहां पे इसका फ्यूल खत्म हुआ तो यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो हो गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इस पे इफेक्टिवली वर्क करने लगा। क्लियर? बोलिएगा। अच्छा, अब देखो शुरुआत में तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था ना, जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था तो इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा होगा, v इक्वल्स टू u प्लस at यूज कर लो, या फिर अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब भी स्पीड बढ़ रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ग्राफ से मालूम चल रहा है। तो शुरुआत में इसका स्पीड लगातार बढ़ रहा है, जब इसका फ्यूल खत्म हुआ है उस टाइम इसके पास ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी है। हाँ, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे इसका स्पीड कम होना चालू होगा, लेकिन जा तो ऊपर ही रहा होगा, स्पीड कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, जहां पे इसका स्पीड जीरो हो जाएगा वहां से ही उठान देगा। तो यहाँ पे स्पीड जीरो हुआ है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 110 सेकंड। फ्यूल कहाँ पे खत्म हुआ है, फ्यूल 10 सेकंड पे खत्म हुआ। ये सबको समझ में आया क्या? बताइए माया ना। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड कीजिए, फाइंड रेशियो, क्वेश्चन लिखिए फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय रॉकेट फ्यूल, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय रॉकेट फ्यूल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
रॉकेट टू फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय रॉकेट फ्यूल, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय रॉकेट फ्यूल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस वाले क्वेश्चन में रॉकेट का फ्यूल ने जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया है उसका रेशियो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। बोलिए तो कौन सा ग्राफ दिया आपने पास, पोजीशन टाइम वेलोसिटी टाइम कौन सा है? अरे बोलो वेलोसिटी टाइम। पोजीशन टाइम हाँ वेलोसिटी टाइम है time. ये वेलोसिटी है हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है? एक्सेलरेशन रहता है। यहाँ से यहाँ फ्यूल जल रहा था ना तो ये फ्यूल का के कारण एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय फ्यूल कितना हो गया स्लोप के इक्वल, तो स्लोप कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1000 और बेस कितना है 10, यानी फ्यूल जो है वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्पीड एक्सेलरेशन दे रहा था। क्लियर बोलो हाँ या ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है वो तो 10 होता है, ऐसे चाहो तो इस ग्राफ से भी निकाल लो, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये कितना है, ये वाई कितना है 1000 डिवाइड बाई 10 से 110 कितना गैप हो गया 100 का गैप हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ रहा है 10 आ रहा है और ये स्लोप निगेटिव है तो ये -10 आ रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना होगा ए बाई जी इज इक्वल टू 100 बाई -10। तो एक जीरो कैंसिल कर दीजिए तो ए बाई जी का वैल्यू कितना हो गया -10। बोलो क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ओके अच्छा इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एच ऑफ बाय रॉकेट, तो बताइए तो सर हाँ सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपको -1000 कैसे मिला? वो -1000 नहीं है, ये देखो वर्टिक एक्सेलरेशन क्या होता है स्लोप होता है ना, स्लोप क्या होता है वाई बाई एक्स होता है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो वाई कितना आ रहा है, वाई कितना है यहाँ से 1000 है और एक्स कितना है 100 है, तो 1000 बाई 100 किए हैं तो कैंसिल करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है -10 आ रहा है। ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है अच्छा इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, टाइम ऑफ होने वाला है। हां पूछिए फिर से रिपीट कीजिए। तो आपने फिर से एक क्वेश्चन बोला था ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय रॉकेट, रॉकेट कितना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा, तो v = u + at होता है और ये तो दिख ही रहा है ना 1000,